हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपाल है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। मैं अपने घर पे पहले मेरा छोटा सा एक कैफ़े था, तो मैं वहीं पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ये सारे काम करता था। फिर तो उसके बाद कुछ भैया से मैंने बात किया, तो भैया बोले कि आप दिल्ली आ जाओ, यहाँ लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए बात करो। मैं दो तीन जगह बात करने भी गया था, लेकिन वहाँ मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने फ्रेंड से कुछ है उनसे रिकमेंडेशन लिया, तो उन्होंने लैपटॉप्स के बारे में बताया। तो जब लैपटॉप्स में मैं यहाँ पर आया, तो स्टार्टिंग में कुछ दिन मतलब कुछ महीने मेरे प्रॉब्लम ये थी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस फील्ड में, पैसे भी नया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। फिर धीरे से मैं सर से मैंने पूछा भी था कि सर मतलब कैसे होगा, तो सर ने बोला था कि जब तक आप यहाँ से जाओगे, मतलब जब आपका कोर्स कम्प्लीट होगा, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि हाँ आप रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो चीज़ें समझ में आने लगी। यहाँ पर अगर कोई भी जैसे नासिर सर हैं या दिलदार सर हैं, किसी आईसी का वर्किंग मैकेनिज्म सब वो दिलदार सर बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होता है वो नासिर सर पूरा आपको समझाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे स्कीमेटिक रीडिंग है, या फिर आपको कोई भी चीज़ अगर आप नए हो तो बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ पर बताया जाता है। जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिलदार से सारी आपको बेसिक में बता देते हैं। उसके बाद जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है, कुछ भी उसके बाहर नहीं होता। जो भी दिलदार सर या नाज सर पढ़ाते हैं वो सब कुछ उसी में बिल्कुल आपको कंप्लीट करवा देते हैं। तो जैसे कोई भी बिल्कुल ही फ्रेशर है, जैसे उसे ए बी सी डी भी नहीं आता चिप लेवल रिपेयरिंग का या कार्ड लेवल रिपेयरिंग का, उसने कभी कुछ सुना ही नहीं है लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, तो क्या वो चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करके सीख सकता है? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ज़ीरो से ही था, मेरे को इसमें कुछ भी नहीं पता था कैसे क्या काम करना है। तो इसलिए मेरे को शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी समझने में। लेकिन जैसे कि दिलदार सर ने किसी आईसी को किस तरीके से ऑपरेट करती है, कितना वोल्टेज इंजेक्ट करना है या क्या करना है, वो दिलदार सर बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर नाज सर उसका सारा प्रैक्टिकल दिखाते हैं, केस स्टडी बताते हैं, वो भी सब बिल्कुल अच्छे से उसको करवा देते हैं। तो जैसे एक कंप्लीट चिप लेवल टेक्नीशियन जो होता है या बेसिकली इंजीनियर होता है, उसे ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे होती है, उसका वर्किंग कैसे होता है और उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं उस पर काम करने के लिए? हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट। और स्टार्टिंग में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं जब आया तो मेरे लिए बिल्कुल ये सब चीज़ें एकदम नई थी। जैसे छोटे बच्चों को ए बी सी डी बताई जाती है, बिल्कुल बेसिक से ही आपको बताएंगे, ये नहीं कि आपने अगर कर रखा हो या नहीं किया हो तो बीच में से कुछ भी। बेसिक से पहले जैसे एक जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो सब बताया सर ने। उसके बाद जब एंड होते होते सब कुछ सिलेबस ख़त्म हो चुका है हमारा, लेकिन जो कंपोनेंट सर ने बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। गेट हो गए, गेट की बाइसिंग हो गई, मॉसफेट हो गई, सब वर्किंग सर ने जो बताया सब उसी में से ही था। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बीजीए लेवल रिपेयरिंग सीखना है मुझे, कि अब बीजीए मशीन पे कैसे काम करना है, सीपीयू कैसे रिप्लेस करना है, कब फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, कि सीपीयू रिप्लेस कब करना है, उसकी डायग्नोसिंग है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ सीखी या नहीं सीखी? ये सर ने सब कुछ बताया, बीजीए का भी हमें डेमो दिखाया, सीपीयू की जो रिवॉल्विंग करते हैं वो भी सब दिखाया, जिस आईसी को किस तरीके से लगाया जाता है वो भी सब कुछ हमें बताया। तो आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर कोर्स करने के बाद? जी हाँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब तक अगर आप कोई इंस्टीट्यूट देंगे तो बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है लैपटॉप्स। थैंक यू दिलदार सर, थैंक यू नासिर सर, थैंक यू लैपटॉप्स।